हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, पापा भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। अब आप लोग सोचोगे आज अभी मैं मम्मी के पास क्यों बैठी हूँ, तो वो तो मैं ही बता देती हूँ ना मम्मी। अब अपनी आप क्यों बताओगी, मैं ही बताती हूँ। आज मम्मी का है जन्मदिन। मम्मी जल्दी से बताओ कौन सा जन्मदिन है, कितने साल की हो गई आप? 69 के होकर 70 में लग गए। सोचो 69 कंप्लीट हो चुका है मम्मी का। 70 में लगे कि 70 कंप्लीट होके 71 में लगी हो? नहीं यार, है ना पापा, 70 कंप्लीट हुई है मम्मी। 70 मम्मी अपने आप को एक साल छोटा बता रही है। अरे वाह, सन 56 को जन्म है वो। सन 56 को जन्म? 55 को। सन 55 का जन्म है। अब आप लोग खुद लगा लीजिए कि हमारी मम्मी जिसे बचपन भर हो वो 55 से 55 चला ही रहोगे। देखो सन 55 को जन्म रहे थे वो जिंदगी भर बचपन में जियत रहे थे, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो मम्मी का जन्म है सन 55 मतलब 55 1955 का जन्मदिन है मम्मी का। तो अब आप लोग खुद लगा लीजिए कि कितने साल की हो गई होंगी। आज मम्मी का जन्मदिन है तो सभी लोग दिल से बधाइयां दे दो मम्मी के लिए। बिल्कुल बधाइयां छूटनी नहीं चाहिए, इतनी सारी कमेंट्स आने चाहिए हम लोगों के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आपने मम्मी के लिए इतना अच्छा अच्छा सोचा। और आज भी मेरी मम्मी देखो कितनी अच्छी लगती है, क्यूट सी मम्मी। तो आज अपन लोग देखो, हमारी मम्मी की आदत है जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, मम्मी इतने अच्छे से एक गाना सुनाती है सबके लिए और सब लोग उस गाने के लिए डिमांड भी करते हैं कि नानी मम्मी जो मतलब जिसका भी बर्थडे होगा वो उनको संबोधित करके बोलता है कि अरे वो गाना सुनाओ। तो आज हम मम्मी से बोलेंगे कि अपने लिए वो वाला गाना गाओ मम्मी, जोर से गाओ अपने लाने। तो कौन गाएगा? हमें तो आता नहीं। देखो भैया अपन तो हैं बेसुरे, है ना, हम कुछ भी गाएंगे तो अभी आप लोग लिखोगे कि अपनी मम्मी से गवाओ। एक दिन हमने गाना क्या गा लिया मम्मी मिष्टी के साथ, तो सब लोगों ने कमेंट कर दिया खुद मत गाया करो, अपनी मम्मी से गवाया करो, क्योंकि हमें मालूम हमारा गला इतना अच्छा है नहीं, है ना। हमारी मम्मी की आवाज तो बहुत अच्छी है, हमें मालूम है। तो मम्मी गा दो यार एक आध, अपने खुद के लिए ही गा दो एक आध। वही गाना जो हम गाते सबके लाने। हाँ सबके लाजे गाती हूँ तो गा दो जोर से गाना। बारे बार दिल ये आए, बारे बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कमला, हैप्पी बर्थडे। अब मम्मी का नाम है कमला तो मम्मी अपने लिए बोल रही है हैप्पी बर्थडे टू कमला। तुमने जैसी कही बस हमने कर दा उल्टी रीत, चलो आइए चला दे। हाँ जरूरी भी था पर अच्छा लगा मम्मी, क्योंकि अब आपके लिए तो कोई गाना गा नहीं रहा था वहाँ बेचारे पापा बैठे। मैंने पापा को बुलाया, पापा इधर जा, पापा कह रहे सुबह मीनल ने यही गाना गा के सुनाया था हमारे लिए सुबह। अच्छा मेरी छोटी बहन ने सोचो यही गाना सुनाया था, जैसे ही फोन उठाया तो गाना स्टार्ट। उसकी आवाज तो और भी अच्छी है, वो तो वैसे ही गाती है कि जगह जगह गाना। हाँ यार उसने तो वो की पढ़ाई की है ना संगीत में, अब हमने थोड़ी करी यार, हमने चित्रकारी में करी है। तो मम्मी हमसे ब्रश चलवा लेती है, है ना, कुछ ही चलवा लेती है, पुतवा पुतवा लेंगी दीवाले और वो तो गाती है। प्रोग्राम होते तो वो जाती थी गाना गाने के लाने, किसी आवाज होती तो गाती, आवाज बहुत अच्छी है उसकी मेरी आवाज। यही गाना सुनाया था मम्मी, बाल मत खींचो। चलो तो हम मम्मी के लिए लाए हैं कुछ, तो अभी मम्मी का बर्थडे है तो हम सोच रहे थे मम्मी को हम कुछ दे दें। अब मम्मी को क्या पता पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ये हमारी मम्मी के लिए हम साड़ी दे रहे हैं, मम्मी ये लो साड़ी आपके लिए, इतनी सुंदर तो लग रही है, और का चाहिए जा बताओ। दिखाओ सबको, अच्छी लग रही, कलर अच्छा लग रहा है साड़ी, क्योंकि आपको लाइट कलर पसंद है। जैसे हम जैसी हमारी साड़ी, बुढ़ापे में ऐसे पहने जाते हैं और का नहीं सुंदर लग रही है। बड़ा लायक नहीं दी मम्मी हमने, अच्छी साड़ी दी, ऐसे ऐसे मत बोलो यार। नहीं नहीं बढ़िया लग रही, खूब सुंदर लग रही है, खूब अच्छी सामने से। धन्यवाद तुम्हारे लाने दो। ये हमारी मम्मी के लिए साड़ी बर्थडे का गिफ्ट, मेरे बेटा खुश बेटा ही बोला कर मम्मी, हम बेटी बेटी ले लो मम्मी हमारे पैर पड़े। अब ये मत बोला अपनी मम्मी से पैर क्यों पड़वा रही भैया, हमारे यहाँ रीति यही है कि बड़े लोग छोटों के पांव, बड़े लोग मतलब बिटियों के कन्याएं लड़कियों के पैर छुए जाते हैं। नहीं तो अब भी पता कमेंट आएंगे मम्मी, हमें मालूम है कि नहीं लड़कियों के पैर छुए जाते हैं हमारे यहाँ।
कन्याओं के पैर नहीं। नंद भाने जन लड़की है, सबके पैर छुए जाती हैं, लड़कों के नहीं छुए जाते, लड़के तो सबके बड़ों के छूते हैं। हाँ देखा ना, नहीं तो अब भी आज पता है यहाँ पे बहुत सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। इसलिए पहले ही मैं क्लियर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, है ना। तो मैंने मम्मी से आज डिमांड करी है कि मम्मी अभी 9 दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ भक्ते सुना दो, भक्ते मतलब एक ही भक्ते सुना दो, है ना। तो आप लोग तैयार हो सुनने के लिए, है ना, आप लोगों को बहुत पसंद है मुझे मालूम है। तो मम्मी बहुत अच्छी भजन गाती हैं आप लोगों को मालूम है, और आप लोग इतना लाइक भी कर रहे हो, इतना पसंद करते हो मम्मी के भजन को। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं अब भी जस्ट आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा भजन मम्मी से सुनवाती हूँ, ठीक है। मिष्टी आज नानी का हैप्पी बर्थडे तुमको मालूम है? हाँ। नानी कौन सा गाना गाती है सबके लिए? वो कौन सा गाती है? हाँ, बार बार दिन मैं नानी के लिए आज सॉन्ग रैप लिखूंगी। हाँ बोलो जल्दी से। मैं रैप लिखूंगी, नानी को थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी, अगर लिखा नहीं है रैप। अभी भी मिष्टी तुम्हारी स्किन रेड रेड, देखो ना फिर से ये रेड पैच हो गया यहाँ पर। अरे जब तक मेरे को चुन्नी क्यों नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरे को उठा के लेके चली गई ऑटो से। भूमि चली गई थी, फिर वो बहुत रेड देख ना मैं, तो चाहे साइड पैच हो रहा है, के हो गया, अभी भी स्किन पर पहले से कम हो गई मिष्टी। हाँ। है ना, आराध्या है ना, वो भूमि से कह रही थी टैन वाली टैनिंग हो जाएगी, सब्जियों की साबुन सही हो जाते भाई थे आँखों के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही सभी सभी मिष्टी का होते कैसा फेस बना रहे खाने में आज कुछ नहीं बना है, लड्डू पेड़ा बना है मिष्टी के लिए, एक लड्डू बना दिया और एक पेड़ा बना दिया, अब मिष्टी खा लेगी लड्डू पेड़ा। इडली सांभर बनाया, इडली सांभर नहीं बना, नवरात्रि चल रही फालतू की चीजें नहीं बनाएंगे, खाना बनाया सीधा, तो क्या व्रत है मम्मी का, क्या बनाया है? देखो तुम्हारी पसंद की दाल तड़के वाली, चावल, ग्रीन भाजी, वो चौले की भाजी, ठीक है, भाजी तो वैसे भी ग्रीन होती है मिष्टी। मम्मी क्या बोल रही, मम्मी पीछे से बोल रही आलू गोभी की सब्जी और भिंडी की कड़ी, भिंडी की कड़ी नानी ने बनाई है। हाँ की बनाई नानी ने। दाल चावल चटनी बनाई है, चटनी तुम्हारी बना देंगे, धनिया कितना महंगा है 500 रूपए किलो, चटनी कौन खाता है, आप लोग खाते हो क्या 500 रूपए किलो की चटनी? हाँ मैं खाती हूँ। तो 500 रूपए कहाँ से आएंगे, गरम तुम हो रही बेटा क्योंकि तुम धूप में से आई हो, धूप इतनी तेज हो रही है सच में, इतनी चिलचिली चटक धूप है बाहर, निकलने ही मन नहीं करता बिल्कुल। क्यों मम्मी? हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो बेटा खुश रहो। नानी को देखो मैंने क्या दिया, जल्दी दिखा मम्मी क्या दिया मैंने नानी को, अच्छी लग रही साड़ी। नानी का कल मैंने प्री बर्थडे गिफ्ट दिया था, आज मैं बर्थडे गिफ्ट। नानी को तुमने क्या गिफ्ट दिया ना? डूडोल रही है तो नहीं, चलो अभी अब नानी है ना एक भजन गाने वाली है, पहले अपन नानी का भजन सुनवाते हैं, ठीक है। राधे 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 सब लोगों को, आज मंजू ने हमसे कहा है कि नव दुर्गे लग गई हैंगी तो डेली एक देवी जी को भजन सुनाओ करे, तो आज हम एक देवी जी को भजन सुना रहेंगे, अब भगवान जाने आप लोगों को अच्छो लगे या ना लगे, तो सुना रहेंगे तो सुन लियो सब जने अपने घरे। चलो सुना। 9 दिन मेला लगो मांग लो वरदान देवी माई से, मांग लो वरदान देवी माई से, कोड़ी को दई काया माने, निर्धन को दई माया, कोड़ी को दई काया माने, निर्धन को दई माया, उदयो गोदी को लाल दयो गोदी को लाल, दयो गोदी को लाल दयो गोदी को लाल, मांग लो वरदान देवी माई से, 9 दिन मेला लगो।
दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, मांग लो वरदान देवी माई से। गंगा जल भरे गड़ुआ डारो, गले में माला डारी। गंगा जल भरे गड़ुआ डारो, गले में माला डारी। संकट दैयो तार, संकट दैयो तार, संकट दैयो तार, संकट दैयो तार, मांग लो वरदान देवी माई से। नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, मांग लो वरदान देवी माई से। हमें अज्ञानी द्वारे पैठाड़े, हमें अज्ञानी द्वारे पैठाड़े, तुम्हें बिन मैया कौन हमारे। मारे दानव हजार, मारे दानव हजार, मारे दानव हजार, मारे दानव हजार, मांग लो वरदान देवी माई से। नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, मांग लो वरदान देवी माई से। परदेसी की डगमग नैया, चरणों की माँ लेते भलैया। परदेसी की डगमग नैया, चरणों की माँ लेते भलैया। दर्शन दैयो माए, दर्शन दैयो माए, दर्शन दैयो माए, दर्शन यो माए, मांग लो वरदान देवी माई से। नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, नौ दिन मेला लगो, मांग लो वरदान देवी माई से। बोलिए देवी महारानी की जय। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार भजन था। और ये क्या कुछ बोलने वाली है? मैं ये बोलने वाली हूँ, मेरा चैनल उसे सब्सक्राइब कर लो, मैं उस पर वर्क करने वाली हूँ अब। अभी नहीं, अभी नहीं। और मैं कह रही थी कि मेरे साइन से बात सता दी। कितने आए? बताओ, 80 में से ना, 80 में से कितने आए? 65.5। वाह, इतने कम, 65। अरे घर पे पढ़ा था ना, और अब तो मुझे क्वेश्चन समझा था, बिल्कुल समझ में नहीं आया था। और मेरा जो डायग्राम में एसएसटी में कितने आए थे? 71.5। 80 में से। ओके, और कौन से बताएं मार्क्स? और आज वैसे इंग्लिश के बताने वाली, मतलब बताए, हिंदी के बताने वाली थी और इंग्लिश के लड़कों को बताई थी, कल लड़कों को नहीं बता पाई थी मैम। तुम्हारे कितने आए? किसमें? इंग्लिश के। तो लड़कों को बताया ना, मेरे को थोड़ी ना पता है, तुम लड़का नहीं हो। चलो ठीक है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, और अभी कोशिश करेंगे कि डेली मम्मी का एक भजन आप लोग के लिए जरूर जरूर सुनाए। हैप्पी बर्थडे बोल लो। हाँ, मैंने बोल दिया, एक बार मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोल देना। चलिए ठीक है, जय श्री राम, बाय बाय, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की जय हो, जय हो, राधे राधे, सब लोगों को राधे राधे, राधे राधे।